नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जहां एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल के नौ विधायक जयंत चौधरी जी के कार्यालय पर मौजूद है नई दिल्ली में, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी लखनऊ में आज मुजफ्फरनगर के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक बुलाई। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक भी मौजूद रहे और पूर्व सांसद कादिर राणा सहित पार्टी के कई बड़े नेता आज लखनऊ कार्यालय पर मौजूद है। और इस बीच खबर आ रही है कि अखिलेश यादव जी ने हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी का प्रत्याशी बना दिया है। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता, पूर्व मंत्री और मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से दावेदार माने जा रहे राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी युवराज सिंह जी। तो मंत्री जी, मलिक साहब अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो किस तरीके का मुकाबला होगा फिर मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव में? देखिए, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे जो है गठबंधन जीतेगा। गठबंधन जयंत चौधरी जी के साथ जिसका भी गठबंधन होगा वही यहाँ जीतेगा। ये बात साफ है, ये बात तय है कि जयंत चौधरी जी जहाँ होंगे वही जीत होगी। तो वो जो 8 बजे वाले दावे थे उनका उनमें कितनी दम रह जाएगा? 8 बजे नहीं, 7 बजे जयंत चौधरी जी के साथ गठबंधन में एनडीए जो भी कैंडिडेट होगा 8 बजे ने 7 बजे जीत जाएगा। संभावनाएं बाकी हैं अभी आप गठबंधन में, या तस्वीर साफ है कि मुजफ्फरनगर बीजेपी चलेगी? देखिए, ऑफिशियली घोषणा जब होगी तो तब सबको पता चल जाएगा। जाट मारा जब जानिए जब तेरा भी बोले, जब ऑफिशियली बात आएगी सबको पता चल जाएगा। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गठबंधन हमने नहीं तोड़ा, जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल हमें छोड़ के चले गए। देखिए, ये बड़े नेताओं का मामला है, मैं इसमें क्या कहूँ, जनता सब जानती है, सबको सब पता। तो बड़ी प्रतिक्रिया युवराज सिंह जी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई 8 बजे नहीं 7 बजे वो प्रत्याशी चुनाव जीत जाएगा मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से जिसके गठबंधन में जयंत चौधरी होंगे।